स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हेलो जी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा, मैं ट्रैक कर ऊपर केदारनाथ टेंपल के पास पहुंच गया था कल की वीडियो में, और हमने स्टे किया था बेस कैंप के पास में। और आज हम जा रहे हैं, अभी मैं हूँ केदार घाटी में, और आज हम जा रहे हैं केदारनाथ टेंपल के दर्शन करने, और आपको भी इस वीडियो में दर्शन कराएंगे। और अभी ये कुछ नज़ारा है मेरे पीछे केदार घाटी का, और बाकी कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए विदाउट एनी डिले चलते हैं केदारनाथ टेम्पल की तरफ और दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। हर हर शंभू। श्री केदारनाथ धाम यात्रा में आपका स्वागत है। आइए आपको दर्शन कराते हैं अब केदारनाथ टेंपल के। ये दर्शनों की लाइन है और देखिए भीड़। आज दिन है सोमवार का। केदारनाथ टेंपल में अब काफ़ी भीड़ है और एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो अपनी अकोमोडेशन और बाकी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पे मौसम एकदम से बदलता है, और आप गर्म कपड़े ज़रूर रख के लाइएगा। और लाइन देखिए कितनी ज़्यादा है। हर हर शंभो। हर हर शंभो। ये देखिए लाइन कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी सितंबर का फर्स्ट वीक है और अभी से इतने यात्री आने लगे हैं। सो आने वाले दिनों में तो सितंबर मिड के बाद से तो काफ़ी भीड़ होने वाली है यहाँ पर। मिनट्स तो हो गए हैं हमें लाइन में लगे हुए, और एक्सपेक्टेड है 2 घंटे और लगेंगे। आज डे है मंडे का, सोमवार का दिन है, और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं मॉर्निंग। लाइन को देखिए किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, यहाँ पर धूप निकली हुई है, अच्छी धूप निकली हुई है, और भीड़ ज़्यादा है, बट दर्शन अच्छे हो रहे हैं सभी के। केदारनाथ टेंपल के दर्शन हो चुके हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं मेरे। और अभी हल्की हल्की बारिश बौछार शुरू हो चुकी है, सो देखते हैं अगर मौसम ठीक रहता है तो ऊपर भैरवनाथ बाबा के दर्शन पे भी चलेंगे, अगर मौसम खराब होता है तब शायद नहीं जा पाएंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा, आगे अपडेट जरूर दूंगा अगर भैरवनाथ बाबा पे जाते हैं।
ये है भीमशिला जो आपदा के समय पे केदारनाथ टेंपल के पीछे आकर रुक गई थी और जिसने केदारनाथ टेंपल को सेव किया था। ये है भीमशिला और इधर है केदारनाथ टेंपल। जय श्री केदार। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। कैमरे में कितना जस्टिफाई हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप अपनी नज़रों से आकर देखोगे तो यहाँ की ब्यूटी बिल्कुल ही अलग है। अभी मैं हूँ श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर, जिसे बहुत खूबसूरत बनाया गया है यहाँ पर केदारनाथ टेंपल के पास में। आज जुड़िए सारे लोग, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। अखंड मंडलाकार जय जय राज राज तनिया जाया भवान स्थिता नन्दि स्कंद गणनादि नाथ सहितो केदारनाथ प्रभु केदार भगवान केदारेश्वर को इन्होंने ही ढूंढा था। मौसम देखिए पल पल यहाँ पर कैसे चेंज होता है। अभी कितनी अच्छी धूप निकल रही थी और एकदम से मौसम चेंज है और हल्की हल्की बारिश पड़े ही जा रही है रेगुलर। बाकी ऊपर भैरवनाथ बाबा मंदिर पे हम इसलिए नहीं गए बिकॉज बारिश कभी भी हो सकती है और हमारे पास रेनकोट वगैरह कुछ भी नहीं है, और अभी इसीलिए हम नीचे का ट्रैकिंग कर रहे हैं और नीचे उतरेंगे और फिर सोनप्रयाग में रात को रूम लेकर वहाँ पर स्टे करेंगे और कल कहाँ निकलते हैं वो आगे के व्लॉग में आपको बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी वीडियो आगे भी बहुत अमेजिंग आने वाली है क्योंकि हमारा ट्रिप जो है वो 5 से 6 दिन का है और काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस एक्सप्लोर करने वाले हैं इस बार हम। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं नीचे की तरफ, ट्रैकिंग कंटिन्यू करते हैं अपनी। केदारनाथ टेंपल में बेस कैंप के पास और केदारनाथ टेंपल के पास बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए चिकित्सालय जो हैं अवेलेबल हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी अकोमोडेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है GMVN की अकोमोडेशंस गढ़वाल मंडल विकास निगम की, जो कि ऑनलाइन बुक होती हैं और इसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। मैं भीमबली ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं और जब से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी है नीचे उतरना, जब से हमने स्टार्ट किया है तब से रेगुलर बारिश हो रही है और अब हम भीमबली पहुंच चुके हैं और बाकी गौरीकुंड पहुंचकर वहां से टैक्सी लेंगे सोनप्रयाग की और नाइट स्टे वहीं पे करेंगे। बाकी वीडियो मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। अगर हम सीतापुर या रामपुर में स्टे करते हैं वो भी बताऊँगा, अगर सोनप्रयाग रुकते हैं तो वो भी आपको पता चलेगा। और ये कुछ नज़ारा है बैक कैमरा से।
केदारनाथ ट्रैक पे अगर आप आते हो तो आपको ऐसी ब्यूटी जगह जगह पे देखने को मिलेगी और किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत ही सुंदर है केदार घाटी। हम ट्रैकिंग करके नीचे सोनप्रयाग उतर चुके हैं और टोटल हमें लगे हैं 6 घंटे नीचे उतर कर आने में। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करूंगा बिकॉज हम बहुत थक चुके हैं। अब रेस्ट करेंगे और कल मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में। कल का जो प्लान है, कल का प्लान है मॉर्निंग में निकलने का बद्रीनाथ। कल की वीडियो में हम कवर करेंगे बद्रीनाथ की जर्नी और बाकी जो रूम का टूर है जहाँ पे हमने स्टे किया है उसी होटल में स्टे कर रहे हैं जिसमें हमने सोनप्रयाग पहुंचकर स्टे किया था। और कैसा है, 2000 पे किया है, सोनप्रयाग में नहीं है, सोनप्रयाग से थोड़ा ऊपर है। कल मॉर्निंग में मैं उसका आपको ओवरव्यू दे दूंगा और रूम टूर भी करा दूंगा। सो इस वीडियो को अब एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।